Good morning, students. This is Deepak Tawar. Hope you have done the first poem of your textbook, a photograph in your notebooks. Today we are going to start the next poem, The Laburnum Top by Ted Hughes. So let us know a little about the poet first. Ted Hughes was an English poet. He was born in England on August 17, 1930. Ted Hughes jo hai wo ek English poet the aur unka janm England mein hua tha 17th of August in 1930. So, after high school, Ted Hughes entered the Royal Air Force and served for 2 years as a ground wireless mechanic. So, high school ke baad Ted Hughes ne Royal Air Force ko join kar liya tha and 2 saal tak usme serve kiya as a ground wireless mechanic. Uske baad unhone apni graduation ki Cambridge se in the year 1954. So, the title of the poem is The Laburnum Top. So, Laburnum se hamara kya matlab hai? Laburnum jo hai, you can see, Laburnum jo hai, it is a small European tree with yellow flowers and poisonous seeds. लेबनम जो है वो एक यूरोपियन ट्री है जिसके फ्लावर जो है वो येलो होते हैं और उसकी सीड्स जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं. लेट अस स्टार्ट द पोएम. द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. तो स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टेंजा में लेबनम को डिस्क्राइब कर रहे हैं पोइट और वो बता रहे हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं है लेबनम ट्री के ऊपर, वो बिल्कुल साइलेंट है और इट इज स्टैंडिंग क्वाइट स्टिल. सो इट इज़ एन आफ्टरनून ऑफ सेप्टेम्बर मंथ ऑलमोस्ट प्रायर टू ऑटम. वो बात कर रहे हैं सेप्टेम्बर मंथ की एक आफ्टरनून की, बिल्कुल ऑटम सीजन आने से पहले की. वो कहते हैं कि पेड़ के कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हो चुकी हैं और उसकी सारी सीड्स जो हैं वो गिर चुकी हैं. इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही सेज टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. फिर वो कहते हैं सडनली गोल्ड फिंच अ स्मॉल स्पैरो कम्स देयर एंड सरप्राइजेज अस बाय लैंडिंग ऑन अ ब्रांच एंड विच मेक्स ट्विचिंग साउंड. मतलब एक गोल्ड फिंच जो होती है इट इज़ अ स्मॉल बर्ड विद येलो फेदर. दिस इज गोल्ड फिंच. यू कैन सी इसके फेदर जो है वो येलो होते हैं एंड यू कैन ऑल्सो सी द डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स हेड. तो वो कहते हैं कि पेड़ जो है वो बिल्कुल शांत होता है तब तक जब तक कि वहाँ पर गोल्ड फिंच नहीं आती है, वो बर्ड वहाँ पर नहीं आ जाती है. और जैसे ही वो आती है वो ट्विच करती है, चिरप करती है जैसे ही वो ब्रांच की एंड पर आके बैठती है, जिस तरह से बर्ड्स करते हैं तो उसी तरीके से वो ट्विच करती है, चिरप करती है वहाँ पर आके, और एक क्विक मूवमेंट जो है वो दिखाई पड़ती है पेड़ के ऊपर जैसे ही वो आती है. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and of tremor of wings and trillings. The poet is comparing the goldfinch with a lizard. जैसे lizard होती है ना काफ़ी smoothly move करती है, sleek का मतलब होता है smooth. तो lizard जो है वो काफ़ी smoothly move करती है, वो alert होती है, abrupt होती है, vigilant होती है we can say. So in the same way, जैसे ही वो वहाँ पर enter करती है in the thickness, so in the same way goldfinch जो होती है वो भी lizard की तरह बिल्कुल smoothly वहाँ पर enter करती है into the thickness of branches and yellow leaves and it enters quickly where it has built its nest for its young ones. तो जैसे ही वो वहाँ पर आती है वो quickly वहाँ पर enter कर जाती है बिल्कुल एक lizard की तरह, बिल्कुल being so vigilant and being so alert वो उस पेड़ की thickness में enter कर जाती है जहाँ पर उसने अपने यंग वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए नेस्ट बनाया हुआ है. सो एज सून एज इट रीचेज टू इट्स नेस्ट बेबी स्पैरो स्टार्ट मेकिंग साउंड्स. तो जैसे ही वो वहाँ पर उनके नज़दीक जाती है अपने बच्चों के पास, उस नेस्ट के पास, तो वहाँ पर जो बेबी स्पैरोज होते हैं वो दे स्टार्ट मेकिंग साउंड्स, वो चिट्टर करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने फेदर्स को वो फ्लैटर करना स्टार्ट कर देते हैं इन द एक्साइटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उनकी मदर जब उनके लिए फूड लेकर आती है तो इन द एक्साइटमेंट दे स्टार्ट चिटरिंग्स एंड दे स्टार्ट फ्लैटरिंग देयर विंग्स. सो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो, इसलिए पोइट जो है वो कहते हैं कि इट सीम्स एज द मशीन स्टार्ट्स अप. सो वी नो दैट मशीन जब स्टार्ट होती है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ साउंड एंड द सेम वे यहाँ पर जब वो अपने यंग वंस के पास जाती है तो वो भी इस तरह से अपने विंग्स को फ्लटर करते हैं, इस तरह से चिटर करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई हो. देन ही सेज द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स मीन्स व्हेन द यंग बेबीज मेक सो मच ऑफ नॉइज बाय देयर चर्पिंग एंड फ्लटरिंग ऑफ देयर विंग्स द ट्री ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग और शेकिंग. तो जैसे यंग बेबीज जो हैं अपनी मदर को देखकर एक्साइटमेंट में जिस तरह से वो नॉइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी चर्प करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने विंग्स को फ्लैटर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो पूरा ट्री जो है वो शेक करने लग जाता है, वो मूव करने लग जाता है. इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली. तो वी नो दैट इंजन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन. इंजन जो होता है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, हमें पता है, क्योंकि वो मशीन को चलाता है. इन द सेम वे द पोइट सेज दैट गोल्ड फिंच इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू हर फैमिली. तो
इसी तरीके से पोइट ये कहता है कि गोल्डफिंच जो है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज इट ब्रिंग्स फूड टू हर बेबीज एंड फीड देम टू देयर फुल. और वो किस लिए है? क्योंकि गोल्डफिंच जो है वो अपने यंग वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए फूड लेकर आती है, अपने बेबीज के लिए, और उनको फीड करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू हर फैमिली. इसलिए उसको इंजन कहा गया है उसकी फैमिली का, क्योंकि पूरी फैमिली या यंग वंस जो है वो गोल्डफिंच पर ही डिपेंड करते हैं. सो गोल्डफिंच के बिना और उसकी फैमिली के बिना जो ट्री है जो है वो बिल्कुल साइलेंट और स्टिल होता है उसके आने से पहले, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एंड इट सीम्स डेड. सो उसकी फैमिली और गोल्डफिंच जो है वो लाइफ प्रोवाइड करते हैं ट्री को, क्योंकि विदाउट मूवमेंट तो वो बिल्कुल डेड सा दिखाई देता है. और उसमें मूवमेंट तभी आती है जब गोल्डफिंच वहाँ पर आती है. तो कह सकते हैं कि गोल्डफिंच और उसकी फैमिली जो है वो ट्री को एक तरह से लाइफ प्रोवाइड करते हैं by making it tremble and providing thrill. So in return, tree also gives shelter to goldfinch's family from predator. So two-way relationship between goldfinch's family and tree is seen here. और इसी तरीके से in return, tree जो है वो भी उनको shelter देता है goldfinch की family को, और किससे बचाता है? Killers से बचाता है, दूसरे बड़े birds से बचाता है. सो यहाँ पर poet ने एक two-way relationship जो है वो show की है goldfinch के family और tree के बीच. फिर वो कहते हैं, शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बैर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. मीन्स आफ्टर फीडिंग हर बेबीज इट कम्स आउट ऑफ द थिकनेस एंड सिट ऑन अ ब्रांच एंड. नाउ हर बैर्ड फेस इज विजिबल विच सर्व्स इट्स आइडेंटिटी. मीन्स वो अपने बेबीज को फीड करने के बाद गोल्डफिंच जो है वो वहाँ से उस थिकनेस से बाहर आ जाती है और ब्रांच की एंड पर आकर बैठ जाती है. और उसके बाद जाते जाते वो अपना बैर्ड फेस जो है एज एन आइडेंटिटी उनको शो करके जाती है. अब इसका मतलब क्या है, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क? सी आई टोल्ड यू, यू कैन सी द डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स हेड. ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ये उसके आइडेंटिटी मार्क है. तो ये डार्क स्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिटी है उसकी, जो कि वो अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को जाते जाते दिखाती है मुड़कर. सो इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट सेज, देन विद एयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट एंड द लेबनम सबसाइड्स टू empty. Means now goldfinch makes mysterious whistle sound as if it is an indication to her young babies that she is now going away and they shouldn't make any kind of noise or chitterings or chirpings. Eerie का मतलब होता है in a mysterious way. तो जब वो वहाँ से जा रही होती है तो in a mysterious way she whistles, और वो भी वो बिल्कुल whisper करके करती है. और वो whistle इसलिए करती है ताकि वो indicate कर सके अपने young ones को कि वो जा रही है एंड उन्हें अपनी चर्पिंग्स और चिटरिंग्स जो है वो अब और नहीं करनी है. शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिट. तो उसके बाद वो वहाँ से उड़ जाती है एक अननोन प्लेस स्काई की तरफ इन सर्च ऑफ फूड फॉर हर यंग बेबीज बिफोर दे गेट हंग्री अगेन. तो उनके लिए फिर से फूड सर्च करने के लिए वो वहाँ से उड़ जाती है स्काई की तरफ इन एन अननोन प्लेस, ताकि वो उनके लिए फिर से फूड को सर्च कर सके और उनके भूखे होने से पहले उनको फिर से फीड कर सके. एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. मींस लेबनम टॉप जो है इट वंस अगेन बिकम साइलेंट एंड स्टिल एज इट वाज बिफोर. लेबनम जो है वो फिर से साइलेंट और स्टिल हो जाता है जैसे कि वो गोल्डफिंच के आने से पहले था. सो दिस इज द पोएम. सम लिटरेरी डिवाइसेस आल्सो यूज्ड इन द पोएम, दे आर एलिट्रेशंस, सिमिली, मेटाफर, एंड योर वर्क इज टू फाइंड आउट वेयर आर दीज लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम and write it down in your notebooks. We'll shortly send you the question answers of this poem. Thank you.